गुजरात के वडोदरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और वडोदरा मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अन्य संस्थाओं ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा जताई। यहां तक कि सभी डॉक्टर्स ने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है। इस प्रदर्शन में सारे डॉक्टर्स ने काली पट्टी और नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। इस घटना को हवा पश्चिम बंगाल से मिली, जब वहां के जूनियर डॉक्टरों ने उनके साथ हुई मारपीट होने की वजह से प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के साथ हुए हिंसा पर देश भर से समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बंगाल में हुई इस हिंसा का सबसे ज्यादा असर दिल्ली के एम्स में देखने को मिला। बंगाल में कलकत्ता खाते NRS मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी विभाग में ड्यूटी करता डॉक्टर परिभा मुखर्जी ने पेशेंट ना सगावाथी द्वारा बहुत खराब रीते मारवामां आवे छे। ही वॉज ऑन डेथ बेड, लकीली इज इम्प्रूविंग नाउ, पण डेथ बेड छे। तो पेशेंट ना सगा द्वारा जे डॉक्टरों ने पर वायोलेंस थाय छे एना अगेन्स्ट में अमे अत्यारे कलेक्टर श्री ने आवेदन पत्र आपवा आवेले छे। नेशनल लेवले एक एवो कायदो घड़वामां आवे के जेथी डॉक्टरों ने प्रोटेक्शन मळे अने डॉक्टरों ना कोई पण आ पर आवी रीते वायोलेंस थाय तो एना सगाओं ने पनिश करतो एक कायदो घड़वामां आवे के जेथी पेशेंटना रिलेटिवमां एक जातनी फड़क पड़े के पेशेंटनुं मृत्यु गमे ते कारणथी थयुं होय एना माटे कोई डॉक्टर जवाबदार नथी होतो अने तमे पोतानी इमोशन लागणी गुस्सो डॉक्टर पर काढो ए योग्य नथी। तो एना माटे एक सख्त कायदो करवामां आवे के जेथी पेशेंटना सगाओ के जे घणी वखत एमां सगाओ करता असामाजिक तत्वों साथे भळी जता होय छे अने डॉक्टरो पर हुमलो करता होय छे तो एने एक पनिशमेंट व्यवस्थित थाय तो जेनी फड़क रहे। डॉक्टर यतीश शाह।